मुझे एक चीज़ से बहुत दुख होता है, मैंने देखा कि कई सारे नए वीडियोस बनाने वाले आ गए हैं YouTube पे जो कि गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं आप सबको। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में जो IICC है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, उसमें जो काम चल रहा है वो भी थोड़ा बहुत कुछ दिखा दूंगा आपको, और वहाँ पे कैसे अलाइनमेंट होगा वो भी आपको समझाऊंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है जिसमें IICC आता है। तो IICC की कनेक्टिविटी जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कई जगह पे है, जैसे आप देखेंगे तो बामनोली चौक के पास यहाँ पे कनेक्टिविटी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे कनेक्टिविटी है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे भी कनेक्टिविटी है। तो इस वीडियो में मैं आपको भड़तल चौक से, यानी कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं भड़तल चौक का आपने कई बार वीडियो देखा होगा, तो भड़तल चौक से जब आप धुलसिरस चौक की तरफ जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे में, तो ये जो पूरा सेक्शन है IICC का, यहाँ पे इस जगह पे ये जो आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ है IICC की। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हॉल नंबर 2 है और ये हॉल नंबर 1 है। तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। वीडियो जब मैं शुरू करूँगा, वीडियो मैं इस रैंप से शुरू करूँगा यहाँ से, फिर मैं आपको ये पूरा रैंप दिखाऊंगा, यहाँ पे क्या काम चल रहा है वो सब कुछ दिखाऊंगा, यहाँ पे जो काम चल रहा है वो सब कुछ दिखाऊंगा, यहाँ पे जो एंट्री एग्जिट होगा वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर आप IICC आ रहे हैं मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से और भड़तल चौक की तरफ से, यहाँ से आपने IICC में एंट्री करी अगर, तो एंट्री करने के बाद ये ड्रॉप ऑफ जोन्स होंगे इस जगह पे। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि ये वाला जो रैंप है, यहाँ से इस रैंप को आप लेंगे और यहाँ से घूमकर, इस जगह से आप वापस घूमकर द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रास्ते पे, रैंप के थ्रू, एलिवेटेड रास्ते के थ्रू आप चढ़ जाएंगे, और यहाँ से फिर आप भड़तल चौक की तरफ या द्वारका की तरफ या यहाँ से गुड़गांव की तरफ भी आप जा सकते हैं। अलग अलग रूट्स हैं, वो सब कुछ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये 3 अलग अलग अलाइनमेंट दिख रहा है। एक तो यहाँ पे यू टर्न ले रहे हैं, एक आपको ये वाला रास्ता दिख रहा है और एक आपको ये वाला रास्ता दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इस डायरेक्शन से मूव करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से भड़तल चौक की तरफ एलिवेटेड रास्ते लेकर चले जाएं, दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ से आप लेकर धुलसिरस चौक की तरफ चले जाएं ये वाले रास्ते के ऊपर, तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप सरफेस रोड से कहीं से यूज़ कर रहे हैं IICC में घूम रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे रैंप का ऑप्शन है, यहाँ से आप चढ़ेंगे, ये रैंप से आप ऊपर चढ़ जाएंगे और यहाँ से इस जगह पे मिल जाएंगे। ये जो दोनों रैंप है, ये वाला जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर और यहाँ रैम के बाद जो आपको ये फ्लाईओवर दिख रहा है, ये दोनों एक ही जगह आके यहाँ पर मिलता है, और आपको ये यहाँ से जो एकदम एक्सट्रीम एंड वाला जो फ्लाईओवर है द्वारका एक्सप्रेसवे का पोचनपुर गांव की तरफ, उस वाले में कनेक्टिविटी देकर आपको मेन कैरेजवे में यहाँ पे इस जगह पे लाकर जोड़ देता है। तो जो मैंने भड़तल चौक का वीडियो बनाया था वो भी मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, और यहाँ ऊपर में भी आई बटन में उसका डिस्क्रिप्शन होगा वीडियो का, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको पूरा डिटेल में वो अलाइनमेंट भी समझ में आ जाएगा। तो ये तो आपको 2 ऑप्शन मैंने बताया कि एक यू टर्न वाला और एक ये वाला आपको बता दिया। तीसरा ऑप्शन है यहाँ से इधर मुड़ना, यहाँ से आप मुड़कर आगे भड़तल चौक की तरफ जा सकते हैं। चौथा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ये भी आपको दिखाऊंगा। अगर आप मान लीजिए एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं और आपको धुलसिरस चौक जाना है, तो आप एलिवेटेड रास्ते से आएंगे और यहाँ पे रैंप के थ्रू फिर आप नीचे उतरेंगे और यहाँ से आप धुलसिरस चौक पे इस जगह पे आ सकते हैं, यहाँ पे सरफेस रोड लेके। उसके बाद अगर आपको द्वारका में गोल्फ कोर्स की तरफ जाना है तो आप गोल्फ कोर्स की तरफ जा सकते हैं, या यहाँ से आपको और आगे स्ट्रेट जाना है नजफगढ़ की तरफ तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, या यहाँ से आपको UER2 की तरफ जाना है तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। कनेक्टिविटी सारे जगह से है और कहीं पे भी जाने के लिए यहाँ पे कोई आपको ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ट्रैफिक सिग्नल फ्री होगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ, ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ,
ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा, मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिए का मुझे चप्पा चप्पा पता है, यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मुझे उनके इन एंड आउट पता है, उनके एक एक पॉजिटिव उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं, नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है, मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर, मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल स्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल स्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए, आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेस के पैकेज 2 में लेकर आया हूँ। मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये IICC है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। तो हम इस समय द्वारका के सेक्टर 25 में, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है और यहाँ पे जो काम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो आपको दिखाऊंगा और थोड़ा बहुत IICC का जो भी यहाँ से काम दिख रहा है वो भी आपको दिखा दूंगा। मुझे एक चीज़ से बहुत दुख होता है, मैंने देखा कि कई सारे नए वीडियोस बनाने वाले आ गए हैं यूट्यूब पे जो कि गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं आप सबको। आप जब वो वीडियोस देखते होंगे, हम मेरी वीडियो देखने के बाद तो आपको वो ये सब चीज़ ऑलरेडी पता चल जाता है कि वो उसमें जो वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी हुई वो गलत है। तो मुझे काफ़ी दुख होता है कि अगर उनको बनाना है बनाए डेफिनेटली, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ बनाए, लोगों को सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए गुमराह ना करें। तो आइए अब मैं आपको पैकेज 2 का वीडियो दिखाता हूँ। देखिए इस समय मैं सेक्टर 25 में हूँ और सामने अगर आप देखेंगे तो ये IICC का हॉल नंबर 2 है ये, और यहाँ से अगर मैं आगे आपको दिखाऊँ तो जहाँ पे आपको वाइट कलर का आर्क दिख रहा है उस आर्क से अगर ट्रैफिक आती है वहाँ पे भड़तल चौक है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए वहाँ लॉन्चर लगा हुआ है ऊपर, वो भड़तल चौक है। तो भड़तल चौक की तरफ से जो ट्रैफिक आएगी वो इस वाले सेक्शन में आएगी, ये जो रैंप आपको दिख रहा है पूरा बना हुआ, इस रैंप में आप चढ़ेंगे वहाँ से स्ट्रेट आकर, और रैंप से चढ़ने के बाद आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, एक प्लेन लैंड करता हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सारा हॉल नंबर 2 का पीछे का रास्ता है। तो इसमें आप देखेंगे तो रैंप का जो काम है वो यहाँ तक पहुँच गया है ऑलमोस्ट इस महीने के आखिरी, मतलब January 2023 के आखिरी तक ये रैंप का काम ऊपर कर दिया जाएगा, कम्प्लीट कर दिया जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ता है 3 लेन का, उसमें लेफ्ट और राइट साइड में अभी तक वॉल्स को नहीं बनाया गया। अब इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो रिटेनिंग वॉल का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, अगर आप रैम्प के तरफ से आते हैं तो आप यहीं से आगे जाएंगे, आगे जाके इस रैम्प के पीछे जो एलिवेटेड वाला रास्ता दिख रहा है आपको, उस रास्ते से आप ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर सामने जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है उस फ्लाईओवर के नीचे से, मतलब नीचे सरफेस रोड होगा, बीच में पीछे वाला फ्लाईओवर होगा और उसके ऊपर ये वाला फ्लाईओवर होगा, ये वाला, तो उस फ्लाईओवर के नीचे से आप जाएंगे, क्रॉस करेंगे और आगे जाकर एलिवेटेड रास्ते में जो रैंप है उस पर मिल जाएंगे और वहाँ से आप भड़तल चौक की तरफ चले जाएंगे। तो ये तो एक रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता जो है यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये रैंप के नीचे यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल है, इस जगह पे भी जो लाल वाला दिख रहा है ये IICC का बाउंड्री वॉल है। IICC के बाउंड्री वॉल के बाद ये रैंप है जिससे आप ऊपर आ रहे हैं। इन दोनों के बीच में भी अभी बहुत सारा काम हॉर्टिकल्चर का ये सब होना है इस जगह पर। अब यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो आगे देखिए वहाँ पर आपको पार्किंग भी दिखेगा IICC का, उस पार्किंग से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद अगर आप पार्किंग में हैं तो पार्किंग से बाहर निकल के अगर आपको एग्जिट करना है तो मोस्ट प्रॉब्ली आप इस रास्ते से ऐसे जाएंगे और इस फ्लाईओवर के नीचे रास्ता इधर टर्न करेगा सरफेस रोड से, और सरफेस रोड से टर्न करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो रैंप है, इस रैंप से आप ऊपर चढ़ जाएंगे। फिर तो दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप बाहर ही बाहर निकल जाइए अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो, यानी आप पीछे वाले रैंप से जाएंगे, मतलब इस रैंप से आप ऊपर चढ़ेंगे और पीछे वाले एलिवेटेड रास्ते से आप भड़तल चौक की तरफ चले जाएंगे। अगर आप IICC के अंदर से आ रहे हैं तो ये वाला जो रैंप आपको दिख रहा है सामने वाला, इससे आप ऊपर चढ़ेंगे, और ऊपर चढ़ने के बाद ये दोनों रैंप जो है आगे जहाँ पे आपको वो क्रेन दिख रही है उस जगह पे, ये दोनों वहाँ पे जाकर आपस में मिल जाएंगे और मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज होने के बाद ये आपको भड़तल चौक वाले रैंप के ऊपर चढ़ा देंगे जिससे आप भड़तल चौक की तरफ या एयरपोर्ट की तरफ या अपने अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाई लूप्स भी हैं। यहाँ पे ये वाला क्या काम चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं? ये पीओएसपी लगा रहे हैं, ये इसको होल्ड करने के लिए पैनल है ना हमारा, हाँ इसको होल्ड करने के लिए इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे।
अच्छा, तो जितने पैनल आप लगाते हैं पहले ये डालते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी डाल देते हैं इसके ऊपर, कि ये दोनों तरफ से मतलब चौड़ा होकर टूट ना जाए, मतलब मिट्टी धस ना जाए यहाँ पे, ऐसे धसे तो ऐसा ये फैल जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो अब मैं यहाँ से आपको नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ, दूसरे रैंप की तरफ, और वहाँ चल के दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। यहाँ से आपने दूर से देखा है, पास से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे कैसे अलाइनमेंट होगा और कैसे कैसे मूवमेंट होगा ट्रैफिक का। यहाँ अगर ICC की तरफ मैं देखूँ तो ये इसके वॉल्स बन चुके हैं, ICC के बाहर से फसाड को बना दिया गया है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अभी पैनल लगेगा, यहाँ पे पूरा डिस्प्ले पैनल होगा बहुत बड़ा, इससे बड़ा शायद ही इंडिया में कहीं डिस्प्ले पैनल हो, और बहुत खूबसूरत लगेगा। ऊपर अगर मैं देखूँ तो ऊपर भी फसाड लगा दिया गया है, ग्लासेस लगा दिए गए हैं, और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इनका वॉल है, वॉल के बाहर जो टेक्सचरिंग होता है फसाड का, वो किया जा रहा है। जैसे अगर आप आगे देखिए तो वहाँ पे आपको वो टेक्सचर्स दिखेंगे, और इस तरफ भी आपको वो टेक्सचर्स दिखेंगे। अभी जो आपने वीडियो देखा वो इस पॉइंट का था। अब मैं आपको यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करूँगा, और यहाँ से वापस यू टर्न लेकर इस पूरे डायरेक्शन में जो ICC में काम चल रहा है वो भी दिखा दूंगा, और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो सब कुछ भी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, रैंप से मैं नीचे जा रहा हूँ, और यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही तरफ अगर आप देखेंगे तो बाउंड्री वॉल्स होंगे। यहाँ पे अंदर वाला जो काम है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वो फरवरी 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा इस जगह पे। और आगे एक प्लेन अगर आपको दिख रहा हो तो लैंड हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है वो, लेकिन यहाँ से शायद आपको कैमरे से ना दिखे। देखिए, एक गेट यहाँ पे भी होगा ICC का, और यहाँ सामने से आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे पैनल्स लगेंगे, ये सारा जो आप ऊपर देख रहे हैं बोर्ड ICC का, इसमें पैनल्स लगेंगे, और यहाँ पे उसी की तैयारी हो रही है। अभी तक पैनल्स लगे नहीं है यहाँ पे, उनका पैनल लगना बाकी है। अगर आपको ध्यान हो तो जब हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था तो मैंने आपको एक डिस्प्ले पैनल दिखाया था जिसमें विश किया हुआ था, तो वैसा पैनल लगेगा इस पूरे बोर्ड में। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आइडली ट्रैफिक जब दिल्ली की तरफ से आएगी या भड़तल चौक की तरफ से आएगी तो ये वाला रास्ता यूज़ होगा जो आपको दिख रहा है। मैं यहाँ से आगे जाऊँगा और आगे से यू टर्न ले लूँगा, तो एग्जैक्टली इसके अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैफिक मूव होगा। ये सब जो है ये ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हैं, और ड्रॉप करने के बाद यहाँ से आप जो जिस रास्ते का मैंने अभी आपको रैंप दिखाया था वहाँ से आप एग्जिट कर जाएंगे। हॉर्टिकल्चर का भी काम यहाँ पे शुरू हो गया, और यहाँ पे अगर आगे चले जाऊँ तो जो बाउंड्री वॉल है ठीक उस जगह पे, अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। सामने जो बाउंड्री वॉल आपको दिख रहा है, वहाँ से अगर आप राइट ले लेंगे तो आप गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे, और बिल्कुल बाउंड्री वॉल जहाँ पे है कॉर्नर में, वो पूरा का पूरा जो है भड़तल चौक है। आपको भड़तल चौक वाला लॉन्चर भी दिख जाएगा यहाँ पे, देखिएगा, ये देखिए। अब यहाँ से मैं टर्न ले लूँगा तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरफ अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट फसाड का काम कम्प्लीट हो गया है। ये सारा जो फसाड आपको दिख रहा है ये द्वारका एक्सप्रेसवे के साइड का फेसिंग का फसाड है। जब भी मैं ICC को बहुत डिटेल में कवर करूँगा तो ये सब कुछ आपको दिखाऊँगा। ये देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो जो हमारे मिनिस्टर हैं पीयूष सर, वो भी आए थे कुछ दिन पहले यहाँ पे, पूरा ऑडिट करके गए हैं। उनके फोटोग्राफ्स मैं अटैच कर दूंगा तो वो भी आपको दिख जाएगा, उन्होंने ट्वीट करके भी ये बताया था। तो यहाँ से सीढ़ियाँ होंगी ऊपर जाने के लिए, ये देखिए बहुत ही ह्यूज है, बहुत बड़ा है, और अंदर जो है वो हॉर्टिकल्चर का काम चल रहा है। ये देखिए, यहाँ इस जगह से, इस पॉइंट से शुरू होता है हॉल नंबर 2। ये जो आप देख रहे हैं ये हॉल नंबर 2 है, और इसमें भी अगर आप देखें तो ग्लासेस को लगाया जा रहा है, बाहर से फसाड बनाया, पूरा फसाड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बाहर से, बट उन सब चीज़ों को यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है। बाउंड्री वॉल्स इसकी बन चुकी है बिल्कुल, और ये जो रास्ता है इसी रास्ते से हम आगे जाएंगे, और यहाँ से आगे जाकर जो आगे रैंप आता है उस रैंप में आप ऊपर की तरफ जाएंगे, और वहाँ से आप फिर भड़तल चौक की तरफ जा सकते हैं। तो जो ट्रैफिक का मूवमेंट होगा वो जिस डायरेक्शन में अभी मैं आ रहा हूँ इसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, और यहाँ से फिर हम आगे जाएंगे उस रैंप में, और रैंप से होते हुए हम
फिर आगे की तरफ चल जाएंगे। अभी हम रैंप पे नहीं चढ़ेंगे क्योंकि रैंप का वीडियो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया था। अभी मैं रैंप के नीचे से दूसरा रैंप जो है उस तरफ चलूंगा और वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारा जो आपको मिट्टी विट्टी वाला सब दिख रहा है, ये सब कुछ फरवरी 2023 तक ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी यहाँ पे जय कुमार का काम है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के, वो यहाँ पे अपना काम कंप्लीट कर देंगे। अभी जो आपने वीडियो देखा वो इस पूरे पोर्शन का था। अब ये जो वीडियो आप देखेंगे अगला सेक्शन यहाँ का होगा। ये जो आपको रिटेनिंग वॉल्स दिख रहा है, आधी वॉल्स दिख रहे हैं, इसी के ऊपर रैम्प था। अब यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न लूँगा और सामने जो आपको एलिवेटेड वाला रास्ता दिख रहा है वो जहाँ पे कनेक्ट होगा सरफेस पे वो आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में जो रैंप दिख रहा है, इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं इसी रैंप के ऊपर से ये वीडियो बना रहा था। यहाँ पे अगर देखिए तो इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था मैं इसी रैंप के ऊपर बना रहा था। यहाँ पे अगर आप सामने देखें तो ये पिलर नंबर PA12 है। ए का मतलब होता है एबटमेंट, यहीं पे पिलर आके खत्म हो जाता है, यहीं से रैंप शुरू होगा, ऐसे आप मान सकते हैं। और ये एलिवेटेड रास्ता यहाँ से गया इस जगह से, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1, 2, 3 और इसके पीछे 4 स्पैन का काम यहाँ बचा हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँगा कि ये जो आप चारों स्पैन देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें कोई स्ट्रेसिंग नहीं होगी, यहीं पे इसको लगाकर उसके बाद कास्ट किया जाएगा। इसी वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे तो वो जो ब्लू वाला शटर आप देख रहे हैं उस शटर के ऊपर ही सरिये को बांधा जा रहा है, उसके बाद उसको वहीं पे कंक्रीट कर देंगे। इसमें अलग से स्ट्रेसिंग नहीं होगी। जैसे ये वाला आप देखें तो इसमें नीचे से इसमें सेगमेंट्स प्लेस करके इसको स्ट्रेसिंग किया हुआ है, लेकिन वो पूरा का पूरा सेगमेंट एक साथ कास्ट होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे 4 जो स्पैन है वो पूरे के पूरे कास्ट होंगे। और ये वाला जो रैंप है, ये वाला रैंप देख रहे हैं, अगर आप ICC के नीचे बेसमेंट की तरफ से आ रहे हैं तो सरफेस रोड लेते हुए यहाँ से आप इस फ्लाईओवर के नीचे से आप आएंगे और इस रैंप के ऊपर यहाँ से ऐसे चढ़ जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो आपको 2 रैंप दिख रहा होगा पीछे की तरफ। एक रैंप ऊपर इस तरफ जा रहा है, भरतल चौक की तरफ मुड़ेगा, और एक इसके पीछे जो धूलसरस की तरफ जा रहा है। तो धूलसरस की तरफ अगर आपको जाना है तो उस रैंप को लेते हुए फिर आप नीचे की तरफ उतर जाएंगे और सरफेस रोड से होते हुए आप धूलसरस की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये दोनों जो रैंप है, नीचे से अंडर स्लम लगाकर ट्रस भी लगा हुआ है, ट्रस और अंडर स्लम लगाकर ऊपर से कास्टिंग कर दी गई है। इसमें क्यूरिंग का काम चल रहा है उसमें। हाँ, क्यूरिंग का काम चल रहा है। ओके, तो इसके अलावा कोई और ऐसा रैंप सेगमेंट वाला हिस्सा है, स्पैन है जहाँ पे ये चारों उसी वैसे होंगे CIS से? ये चारों उसी से होंगे, 2 उसमें से हो, 6 में से 2 हो चुके हैं, 6 में से 2 हो गए और 4 और होंगे। और जब हम इसको आगे वाले रैंप के साथ जोड़ेंगे तो वो आगे वाले भी 2 उसमें, वहाँ 3 और 4 वहाँ पे हैं, वो भी वही होंगे CIS। अच्छा, वो भी सेम है, कंक्रीट करेंगे उसको। कंक्रीट करेंगे। तो उसका काम कब शुरू होगा? उसका काम मार्च में स्टार्ट होगा। अच्छा, उसका काम मार्च में बाहर जाएंगे उसका काम। तो फरवरी 2023 तक जो काम खत्म होगा वो ICC के अंदर का जितना भी हिस्सा वाला है आप देख रहे हैं, ये सब कुछ फरवरी 2023 तक खत्म होगा। लेकिन जो इसके बाहर वाला हिस्सा है उसमें जो काम है वो आप मानिए कि मार्च 2023 के आसपास पैरेलली कुछ हिस्से में शुरू कर देंगे, बट मार्च खिंच जाएगा आराम से। अब मैं यहाँ से आपको इस रैंप में लेकर चलता हूँ और इसके वहाँ दूसरी तरफ दिखाता हूँ। अभी जो आपने वीडियो देखा वो नीचे यहाँ का था, अब मैं आपको यहाँ पे रैंप से रैंप के बाद और ये वाले पोर्शन का पूरा वीडियो दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे देखिए तो ये वाला रैंप है, अगर आप ICC से निकल रहे होंगे तो इसी रैंप से फिर आप भरतल चौक की तरफ जाएंगे। जिस रास्ते से मैं अभी आपको लेकर आया था, अगर आप उससे आते हैं ड्राइव करते हुए तो आप फिर उस वाले एलिवेटेड रास्ते में जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये वाला, इसका लॉजिक क्या है कि अगर यहाँ पे बैरियर पे, क्रैश बैरियर पे कोई धक्का भी मार दे तो गाड़ी का भी वेट हो और इसका भी वेट हो और ये टूट के नीचे ना गिरे? फ्रिक्शन स्लैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिक्शन स्लैब। फ्रिक्शन स्लैब। अच्छा, तो ये सारे में लगा हुआ है? सही, सब में लगा हुआ है। ये सिर्फ रैंप पे लगता है या किस पे? रैंप पे ही लगता है। रैंप पे लगता है, अप्रोच पे रैंप के। ओके, तो देखिए ये वाला रैंप है जिससे आप नीचे से ऊपर चढ़ेंगे सरफेस रोड पे, और एलिवेटेड वाले रास्ता का रैंप जो है वो वहाँ पे है जिससे आप जाएंगे। दोनों ही जगह जो है वो आगे जाकर उस तरफ वहाँ पे जाकर मिल जाएगा एलिवेटेड रास्ते से, जिससे आप एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। और सामने ये ICC, और यहाँ से आपको और करीब से नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे 2 अप्रोच है, एक ये एलिवेटेड रास्ते का और एक इसके पीछे, जो पीछे वाला है वो धूलसरस चौक की तरफ जाता है। अब मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ और बाहर चल के जहाँ पे ये जुड़ेगा वो वाला हिस्सा आपको दिखाता हूँ। अभी जो आपने वीडियो देखा वो इस सेक्शन का था, अब मैं यहाँ से आगे मूव करूँगा
और ये वाला जो इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है इसके पास यहाँ पे कैसे कनेक्टिविटी होगी इस जगह पे, ये रैंप कैसा होगा एलिवेटेड रास्ते का, और साथ में ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है जहाँ से आप नीचे उतरेंगे एलिवेटेड रास्ते से वो कैसा होगा, वो सभी डिटेल में बता दूंगा। सर यहाँ पे आप देखिए ये एग्जिस्टिंग सरफेस रोड है भरतल चौक से धूलसरस की तरफ जाने का। अगर यहाँ से आप इस डायरेक्शन में इस तरफ मूव करेंगे तो यहाँ से और 200 मीटर आगे जाएंगे तो धूलसरस चौक आ जाएगा, लेकिन ये रास्ते को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, यहाँ पे स्पैन लगाया जा रहा है नीचे ट्रस लगाकर सपोर्ट देकर। और अभी ऊपर वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं एलिवेटेड वाला रास्ता, उसका जो वेट है वो पिलर के ऊपर अभी नहीं दिया गया है। आप देखेंगे तो पिलर के नीचे देखिए और इसके पास वहाँ पे गैप दिखेगा, इसको अभी और नीचे लाकर फिर एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे दोनों रैंप जो है वो आपस में मिलेंगे। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नीचे से भी ट्रस लगाया जा रहा है, और यहाँ अगर आप देखें उस जगह पे देखिए वहाँ पे भी ट्रस लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो इस महीने के एंड तक आप मानिए कि ट्रस लगाकर इस जगह को भी कंक्रीट करने का काम शुरू कर दिया जाएगा, बट ये वाला जो काम है यहाँ से लेकर इस पोर्शन तक ये इतने जल्दी अभी नहीं होगा, इसमें कम से कम मार्च अप्रैल ये चला जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो पिलर नंबर ये 376 है, यहीं से अगर आप आगे चले जाएंगे सरफेस रोड से तो आप द्वारका एक्सप्रेस वे को क्रॉस करेंगे और उसके बाद UER2 की तरफ जुड़ जाएंगे। धूलसरस चौक को क्रॉस करने के बाद एलिवेटेड रास्ते से भी आप UER2 में डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक ये फ्लाईओवर है और दूसरा जो फ्लाईओवर है यहाँ है इस जगह पे देखिए, तो दोनों फ्लाईओवर जो है इस हिस्से में इस हिस्से के पास आकर जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद ये जो आपको सामने पिलर दिख रहा है ये वाला पिलर और ये वाला पिलर, इन दोनों के बीच से दोनों मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज होने के बाद यहाँ से फिर आपको आगे जो रास्ता दिख रहा है देखिए ऊपर एलिवेटेड रास्ता है नीचे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में भी एक रास्ता आपको दिख रहा होगा, उसमें जाकर मर्ज हो जाएंगे और फिर ऊपर आगे भरतल चौक की तरफ चले जाएंगे। और भरतल चौक में जाने के बाद वो यहाँ से सेक्टर 21 जा सकते हैं, या वो बटरफ्लाई लूप लेकर गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं, या फिर वो एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, या फिर वो सरफेस रोड लेकर एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, या फिर वो साइबर हब की तरफ भी जा सकते हैं, या द्वारका की तरफ भी जा सकते हैं। और यहाँ सामने देखें तो ये ICC सामने जाकर मैं आपको यहाँ से भी एक रास्ता दिखा देता हूँ। ये पोचनपुर गांव के पास का सामने मंदिर है, और यहाँ पे कुछ प्लॉट्स के भी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत पुराने प्लॉट्स हैं यहाँ पे। अगर वहाँ दिखाऊँ तो पेड़ों के बीच में एक छोटा सा बोर्ड दिख रहा है जिसमें लिखा है गांव पोचनपुर, और यहाँ पे ये देखिए एलिवेटेड रास्ता पूरा इस जगह पर। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो पिलर नंबर 412 है यहाँ पे, ये ICC से आ रहा है, और इस क्रेन के पीछे जो आपको रैंप दिख रहा है वो भी ICC से आ रहा है, एलिवेटेड रास्ता जो दिख रहा है वो ICC से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सामने एक पिलर आपको दिख रहा है, ये वाला पिलर, और ये वाला पिलर दिख रहा है आपको, देखिए काफ़ी लंबा पिलर है ये, तो इस पिलर की हाइट इसके ऊपर है, और ये पिलर भी अभी और ऊँचा होगा। उसके बाद होना यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ से तीन पिलर आगे देखते हैं तो एक पिलर का देखिए डिज़ाइन बिल्कुल अलग है, ऊपर में एक ही तरफ रास्ता निकला हुआ है, तो वहाँ से रास्ता कटेगा और कटकर यहाँ से ऊपर आएगा ऐसे करके, और किसी को अगर धूलसरस चौक के तरफ से लेफ़्ट लेना है नीचे उतर के सरफेस रोड से, तो आगे अगर आप देखेंगे तो वहाँ रैंप है, रैंप के थ्रू वो नीचे उतरेंगे धूलसरस चौक भी जा सकते हैं, यानी वहाँ से आप द्वारका के गोल्फ कोर्स में भी जा सकते हैं, और आप चाहें तो धूलसरस गांव की तरफ भी जा सकते हैं वहाँ से, या नीचे सरफेस में जाकर आप यू टर्न लेकर वापस सरफेस रोड में आकर इस तरफ भी आ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर ICC का वीडियो देखना है तो इस वीडियो में 500 कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ICC का पूरा वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। बहुत टाइम हो गया ICC का वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन ICC का वीडियो पूरा बनाकर आपको दिखा दूंगा। उसका कुछ रीज़न है कि मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ ICC का वीडियो अंदर से, ऐसे छोटे मोटे आपको वीडियोस तो बहुत दिख जाएंगे, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जब भी बनाऊंगा, तो मैं वो चोरी छुपे वीडियो बनाने वाली आदत नहीं है मेरी। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।